अभी प्रचार के कारण जो विचलित होते हैं, मैं सोच रहा हूं क्यों विचलित होते हैं, अपने खिलाफ आरोप होते हैं, ठीक है, विचलित होने की आवश्यकता क्या है? आरोप लगाने वाले दो तरह के लोग हैं, कुछ प्रामाणिक है कुछ अप्रामाणिक है। एक समय था हमारे देश में जब बौद्धिक प्रामाणिकता थी, इसीलिए शंकर ने अपने प्रतिस्पर्धी के पत्नी को न्यायाधीश के नाते स्वीकार किया था। आज ऐसी अवस्था है क्या? प्रामाणिक बौद्धिक प्रामाणिकता रखने वाले कितने लोग होंगे? मुझे स्मरण होता है कि इमरजेंसी के समय मुझे काम दिया गया था कि अलग अलग राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क करना और उनको ये कहना कि भाई सारे गैर कम्युनिस्ट राजनीतिक दल मिलकर एक दल बनना चाहिए, ऐसा कांटेक्ट करने के लिए उधर एशन जोशी और इधर मैं हम दोनों को बताया गया था। तो चौधरी चरण सिंह जी के पास जाने का मुझे बताया, हम पहली बार मिले। अभी सब अंडरग्राउंड हमारी मीटिंग्स होती थी, तो चरण सिंह जी ने कहा भाई देखो वो दोहरी सदस्यता का प्रश्न तो आगे निकला, उन्होंने अक्टूबर 76 में ये प्रश्न निकाला। बोले देखो मैं दोहरी सदस्यता नहीं चलने दूंगा, एक पक्ष हो एक दल हो ये मैं मानता हूं। हमने कहा इसका मतलब क्या है? तो बोले जो जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हैं, उन्होंने घोषणा करनी चाहिए कि हमने संघ छोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा कि भाई संघ तो राजनीतिक दल नहीं है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारे संघ का क्या है, तुम लोग जो बताएंगे वही संघ है, वहां कोई नियम नहीं है कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं चौधरी साहब, कॉन्स्टिट्यूशन है। बोले है कॉन्स्टिट्यूशन? हमने कहा है, और हमने कहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। अच्छा भाई दिखाओगे कॉन्स्टिट्यूशन? हमने कहा जरूर दिखाएंगे। अगली बार जब हम मिले तो हम पहले बैठे थे मैं और उत्तम राव पाटिल, बाद में चौधरी साहब आए, हम उठकर खड़े हुए बैठे, और मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें उन्होंने लाल पेंसिल से नोट किया था जो नॉन पॉलिटिकल क्लॉजेस है वो, तो मैंने उनके सामने रख उन्होंने लिया। क्या है? बोला हमने कहा आपने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन लाए। अरे भाई बोले तुमने हमारी बात बड़ी गंभीरता से ली ऐसा दिखता है। हमने कहा चौधरी साहब आपकी बात गंभीरता से नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे? देखो भाई बोले मैं, उन्होंने अपनी जाति का नाम लिया, बोले मैं इस जाति का हूं और हम लोग घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी बात करते। उन्होंने वो खोला नहीं, मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन के दिया था वो खोला नहीं, तो मैं सीधी बात करता हूं। ऐसा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसके लिए मैं और हमारे कुछ लोग पार्लियामेंट में जाना आवश्यक है। मेरा बेस ऑफ ऑपरेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं और इस 8 जिले में 15% मुसलमान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके क्या लिखा क्या नहीं लिखा इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आरएसएस को गाली तो देना ही है, फिर भी मैंने समझाने का प्रयास किया, वो माने नहीं। आखिर में उन्होंने जो कहा बड़ा इंटरेस्टिंग था, उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्रियन बड़े अहंकारी होते हैं, लेकिन एक याद रखना 1761 एक जाट सरदार ने एक महाराष्ट्रियन कमांडरिंग चीफ को कुछ सुझाव दिया था। अब महाराष्ट्रियन जैसे अहंकारी होते हैं, उन्होंने माना नहीं, तो उसका नतीजा पानीपत हुआ। बोले मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप भी अहंकारी है, आप मेरा सुझाव नहीं मान रहे, ध्यान में रखना कि वही होगा जो 1761 में हुआ वगैरह।